ने जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया है उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने में एक्ट में यह लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनमें गुज्जर और बकरवाल आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन दी जाए, यानी गुज्जर्स को और बकरवाल्स को उनके लिए सीटें रिजर्व हो जाएंगी असेंबली के लिए जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लिए होती हैं। लेकिन ये पेपर के सिलेबस बनाने में और इम्तहान देने में नौकरियों के लिए ना पंजाबी स्पीकिंग लोगों को और ना पंजाबी लिखने वालों को, बोलने वालों को और पढ़ने वालों को, और गोजरी लिखने पढ़ने वालों को, भद्रवाही किश्तवाड़ी लिखने और पढ़ने वालों को, जितने भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ कश्मीरी, अरेबिक और पर्शियन और साथ में डोगरी जबान। मैं आप लोगों से जो पूछता हूं, हम सब डोगर, हम इस डोगर देश के वासी हैं, कि हम में से कितने नौजवान बच्चे हैं जो डोगरी लिखना और पढ़ना जानते हैं, आगे बोलना जानते हैं, हम भी डोगरी बोलते हैं, हम भी अपने दोस्तों से डोगरी जबान में बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोग जो खड़े हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रख के ये देखिए कि कितने लोग डोगरी लिखना जानते हैं। तो जब आप लोग डोगरी लिख नहीं पाएंगे तो जो बाकी के पेपर कश्मीरी जबान में या किसी और जबान में या पहाड़ी जबान में जो लिखना जानते होंगे तो उनके नंबर ज्यादा होंगे, तो भर्तियां किसकी होंगी? लिहाजा ये ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नर साहब को, जो ऑनरेबल गवर्नर हमारे हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि वह बुनियादी ईमानदार और एक काम करने वाले शख्स हैं, क्योंकि जीसी मुर्मू साहब जो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गुजरात मॉडल, जिसका बहुत ज्यादा शोर है कि गुजरात मॉडल कामयाब मॉडल माना जाता है, उस गुजरात मॉडल के वो आर्किटेक्ट भी हैं और एक काम करने वाले और ईमानदार आदमी माने जाते हैं। उनको पहले दिन ही रियासत की ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों ने मिसलीड किया है, उनकी ब्रीफिंग ठीक तरह से नहीं की है और ये एक फ्लॉड और फॉल्टी आर्डर निकाला गया है। ये आर्डर जो है और उसमें खूबसूरती की दूसरी बात यह है।